हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल के एन ए टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो मिस्टेक का जिस मिस्टेक मैंने लास्ट वीडियो में की थी। मिस्टेक ये है कि जब मैंने फाइल को बनाया था उस टाइम मैंने जो बटन बनाई थी बूट स्टेप बटन, ये जो कि विजिबल नहीं थी, ठीक है, मतलब लास्ट वीडियो में। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इस बटन को विजिबल किया जाए ताकि यूजर को ये दिखे कहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके लिए हम अपने एचटीएमएल फाइल में थोड़ा चेंजिंग करेंगे, और चेंजिंग क्या करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले जाते हैं उस लाइन में, लाइन नंबर 18 देखिए, ठीक है। इस लाइन में आपको यहाँ पर एक क्लास देना है, बॉर्डर स्पेस बॉर्डर डैश फोर। ये एक्चुअली एक बूट स्टेप फोर की क्लासेस है जो कि बॉर्डर के लिए यूज की जाती है, ताकि किसी भी एलिमेंट में उससे बॉर्डर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो इसे हम सेव करते हैं और क्रोम को खोलते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोड जो है काम कर चुका है और हमारा बटन विजिबल है आपके सामने। तो जैसे आप इस बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट जो है नेविगेशन बार के वो विजिबल होंगे अकॉर्डिंग टू योर कोड, जो आपने कोड में लिखा है, ओके, ठीक है। दूसरी मैंने मिस्टेक ये की थी कि यहाँ पे लाइन नंबर 41 में, ओके, पहले हम लोग कोड देख चुके हैं, पहले हम लोग स्क्रीन देख लेते हैं। हमारी मिस्टेक ये थी कि मैनेज ब्लॉकिंग जो एलिमेंट है नेविगेशन बार की, इसमें ड्रॉप डाउन का जो एरो आता है वो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं विजिबल नहीं हो रहा है, बट हाँ इस पर क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन आइकन खुल रहे हैं। तो हमें करना क्या है, बस ये एरो को दिखाना है। तो हम सलाइन टेक्स्ट पे आते हैं और लाइन नंबर 41, जैसे कि आप देख सकते हैं 41 में इस क्लास के अंदर हमें एक क्लास ऐड करनी है बूटस्ट्रैप की। वो क्लास का नाम है ड्रॉप डाउन टूगल, ओके। जैसे ही आप क्लास वर्ड करते हैं, सेव करते हैं, क्रोम खोलते हैं, रिफ्रेश करिएगा, तो आप देखिएगा यहाँ पर वो एरो आ चुका है जो हम लास्ट टाइम में नहीं लाया था। तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर देखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।